हेलो जी व्यूअर्स, आज हम सैमसंग के मोबाइल की वारंटी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह वारंटी चेक कर सकते हैं, किस तरह वारंटी कितनी रह गई, क्योंकि हम दुकानदार वाले के पास जाते हैं तो हमें गलत गाइड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप मोबाइल को चेक कर सकें, मोबाइल की वारंटी को चेक कर सकें, मोबाइल के कंडीशन को चेक कर सकें, मोबाइल के प्राइस को चेक करें। आज हम जो बात करने वाले हैं वो मोबाइल वारंटी के बाद में करने जा रहे हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वीवो की वारंटी किस तरह की जाती है, इन्फिनिक्स मोबाइल की किस तरह वारंटी की चेक की जाती है, टेक्नो की किस तरह की जाती है वारंटी चेक, या आप जानना चाहते हैं और किसी भी कंपनी के मोबाइल की किस तरह वारंटी की जाती है चेक, तमाम लिंक्स नीचे दी गई हैं। आप उनको फॉलो करते हुए आप सारी वारंटीज की वीडियो चेक कर सकते हैं। आपको आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग का। आपने सिंपली अपना मोबाइल फ़ोन सैमसंग ले लेना जिसकी वारंटी आपने चेक करनी हो। आपने स्टार हैश 06 हैश मिलाना। जैसे आप मिला के ओके करेंगे तो आपके पास आपके मोबाइल का IMEI नंबर आ जाएगा। ये IMEI नंबर आपने कहाँ डालना है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने लैपटॉप में। हम आपको बताते हैं लैपटॉप में जाके। इससे पहले हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, और नीचे तमाम लिंक्स दी गई हैं अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारी वीडियो, जिनको मदद से आप हमारा फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं ऊपर तमाम लिंक्स दी गई हैं जिनकी मदद से आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और तमाम सोशल मीडिया पे। मैं कंसिडर करूंगा फेसबुक वालों को, आप प्लीज़ हमारे सब यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ ऐसी मालूमात होती हैं हम उसको वहाँ पे देते हैं। आइए हम लैपटॉप की तरफ जाते हैं। तो आपने लैपटॉप में जाना है और जाके ब्राउज़र ओपन करना है, और यहाँ पे आपने लिखना है सैमसंग। और अगर आप ये यानी कि आप शॉप में खड़े हैं, आपके पास लैपटॉप की नहीं है सहूलत, तो आप मोबाइल पे भी सेम ब्राउज़र गूगल क्रोम में जाके ये चीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा वारंटी चेक करने के किस तरह की जाती है, और यहाँ पे आपने लिख देना। आप जैसे लिख के सर्च करेंगे व्यूअर्स, हमारे पास ये सबसे पहले जो वेबसाइट आती है आपने ये लेना है। और जैसा कि मैंने आप बताया था, आप अपने मोबाइल से जिस भी वारंटी चेक करना चाह रहे हैं आपने, वहाँ पे आपने सिंपली स्टार हैश 06 हैश डायल करना है। जैसे आप व्यूअर्स डायल करेंगे तो आपके पास IMEI नंबर शो हो जाएगा। आपने जो IMEI नंबर 1 है उसको आपने नोट करना है, और आपने उस IMEI नंबर 1 को आपने अपने लैपटॉप की इस वेबसाइट में जो खुल रही है इसमें आपने लिखना है, और कुछ नहीं करना है व्यूअर्स। आपने ये देखें मेरे पास अभी आ गया, अब मैं IMEI नंबर यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा। आपने भी इसी तरह लिख लेना है IMEI नंबर मैं लिख रहा हूँ। और आपने यहाँ पे एहतियात के साथ तमाम चीज़ें कोई मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक भी डिजिट मिस हो गया, आगे पीछे हो गया, तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल सकेंगी। इसलिए आप एहतियात के साथ और तमाम इन्फॉर्मेशन लिखें। लिखने के बाद आपने चेक पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप चेक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको मोबाइल के अबाउट इन्फॉर्मेशन को सर्च करना शुरू कर देगा। समटाइम्स कुछ फ्यू सेकंड्स लेगा ओके, और लेने के बाद आपको फाइनली रिजल्ट आपके सामने आपको ये दे देगी वेबसाइट कि आपके ये देखें मेरे पास आ चुकी है। सॉरी, नीचे क्लिक करना था वो मैंने किया नहीं, अब ये मैं कर रहा हूँ ओके। और अब मैं इस पर क्लिक कर देना आपने IAM NOT A ROBOT। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन आपको IMEI नंबर चेक करने की वो सर्चिस दोबारा उसने स्टार्ट कर दी है। मैं ये क्लिक करना भूल गया था, आप मत भूलिएगा। अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है व्यूअर्स। उसके बाद दोबारा ये कुछ सेकंड्स लेगा, ये समथिंग सेकंड्स होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा रिजल्ट्स होते हैं इसने नेट ने अपनी तरफ से सर्च करने होते हैं इस वेबसाइट ने। जैसे रिजल्ट करेगा सर्च, हमारे सामने फाइनली जो रिज़ल्ट होगा आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास फाइनली रिज़ल्ट आ रहा है, वो कह रहे हैं आपकी सैमसंग जो मोबाइल है उसके IMEI नंबर को चेक किया जा रहा है, बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिएगा। ये देखें व्यूअर्स, हमारे पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं हमारे मोबाइल की।
वो बता रहा है कि आपके सैमसंग गैलेक्सी जीरो A02 है, बिल्कुल 2 है और अनलॉक है, बिल्कुल अनलॉक है, और तमाम उसने मालूमात दे दी हमें, और हमें बताया गया है कि इसकी जो वारंटीज है वो सीरियल नंबर ये, मॉडल नंबर ये, इंजन नंबर ये, और इसकी वारंटी दरअसल ये न्यू मोबाइल है व्यूअर्स, इसकी वारंटी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो इसलिए उसने वारंटी शो नहीं कराई क्योंकि अभी वारंटी स्टार्ट नहीं हुई और ये एक अभी फ्रेश मोबाइल पड़ा है, और जैसे वारंटी शो स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि इस डेट से अभी मैंने बिल्कुल न्यू मोबाइल है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं व्यूअर्स, और आप यहाँ से मुकम्मल तरीके से साथ अपने मोबाइल की वारंटी चेक कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, अगर आपको अबाउट इसके अंदर क्वेश्चन है तो नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो मिलते हैं अपने वो साझे महबूब चीज़ें, इजाज़त, गुड बाय।